Cigarette smoking is injurious to health. It causes cancer. धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक होता है. धूम्रपान से कर्क रोग होता है. कमीने, चलो यहां से जाओ. चल कमीने. हाय. पद्म जी, इस महीने में आपका सारा पैसा वापस कर दूंगा. आज सब पर है ना भाई? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग दे देंगे पैसे. कल ही हमारी नौकरी मिलने वाली है सेठ जी. कौन सा नौकरी बे? तू हमको नहीं बताया? अबे प्यारे जोग, कल नौकरी मिलने वाली है. अबे आ क्यों मर रहा है बे? प्यारे जोग, कल नौकरी मिलने वाली है. हाँ. ये हाँ, पी के हाँ. पड़ा हुआ रहता है सेठ जी, इसलिए इसे समझ में नहीं आ रहा है कमीने को. कल आपके पूरे पैसे मिल जाएंगे पद्म जी. हाँ. हमें मत निकालिए पद्म हाँ. जी, प्लीज. चल जा कमीने, 6 महीने हो गए अभी तक किराया नहीं दियो कमीने. हले हमेशा बोले मालिक दे देंगे पैसा. जी हाँ बोलो, क्या हुआ? दे देंगे किराया, बच्चे अच्छे है, लड़के अच्छे है. इन लोग हाँ दे दोगे ना किराया? हाँ, बिल्कुल दे देंगे. इन लोग कह रहे हैं दे देंगे. हाँ ठीक है, तुम्हारे कहने पर दे रहा हूँ. हाँ इस बार तुम लोग पैसा देना, नहीं तो तुम लोग को आउट कर दूंगा. तो अच्छा हुआ कि उसकी पत्नी आ गई, वरना आज हम लोग सब रोड पे होते. अबे पत्नी कहाँ पे, वो तो माल है माल. हाँ वो तो है. हमको तो साला ये नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ वो और कहाँ वो पद्दू जी. वो तो एकदम एक नंबर माल है यार. अबे क्या बात, पता है कल रात को देख के तो एकदम मेरा दिमाग हिल गया. तू तो बोल रहा है मालकिन नहीं माल है. साले तुम तीनों का वो भाभी है, समझा ना? अबे चुप बे पोपट. अरे माल नहीं कहो अप्सरा. उसके गाल ऐसा लगता है जैसे टमाटर है, टमाटर. उसके आग देखे तुमने? ऐसे लगता है जैसे स्विमिंग पूल हो, कूदो और नहा लो. सुन बे, मैं मालकिन के बारे में एक भी शब्द बुरा नहीं सुनना चाहता हूँ. वो तो एक देवी है देवी. अरे यार देवी वो तो देवी है ही, लेकिन वो साला बुड्ढा खुसट कहां से आ गया? ऐसा लगता है जैसे नई मारुति में पुरानी. पद्दू जी देवता है देवता, उसके बारे में ऐसा मत बोलो. पद्दू जी नाम तो ऐसा रखा है जैसे कोई बोलता हो पद्दू जी. साला एक नंबर का खुसट बूढ़ा है वो, घटिया इंसान है वो कमीना. सनी पीछे देख. अबे पीछे. क्या पीछे देख? अबे तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे पद्दू मेरे पीछे खड़ा हो और सड़ की तरह अपनी सांसें फुला रहा हो. सनी आज तू पीटेगा. अबे चुप कर. पद्म जी आप ही का पढ़ाई कर रहे थे भाई, एक चाय देना हमारे पद्म जी के लिए मलाई मार के. एक महीना का मोहलत दिया है तुम लोग को और हाँ तुम लोग अभी 1 महीना का मोहलत दिया है, वरना पिछवाड़े में डांटा करके निकाल दूंगा. दे देंगे मालिक. अबे अच्छा है कि वो चला गया, वरना मेरे हाथ से आज वो खामे खाम पिट जाता. वो तो बुढ़ा था साला, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया, नहीं तो. चुप बे,
ज्यादा बकैती मत छाट, कौन किसको पीट रहा था वो तो दिख ही रहा था। साला बुड्ढा आदमी से पीटिया। वाओ। अबे सनी, अभी बोल रहा था ना, पीछे देख पीछे देख, पीटेगा, पड़ गया ना। अबे पीछे देख बोल नहीं सकता था, पद्दू आया है। दो बार बोला। अबे वो अपना राकेश है ना, ये तो हमारे साथ गिली डंडा खेला करता था। और अगस्त सुन सुन, इधर आ। अबे इधर आइयो। क्या बनी ठल्लो, यहाँ क्या कर रहे? बड़ा सूट वूट में घूम रही है तू, क्या बात है? अरे काम करता हूँ, काम, ऑफिस जाता हूँ, तुम लोग जैसा निठल्ला नहीं हो, इधर खा रहे हो, उधर घूम रहे हो, उधर सो रहे हो। समाज भी सोचता होगा कहाँ से आके बस गए ये लोग। अरे कुछ तो काम कर लो, अरे खाओ पियो, थोड़ा इज्जत से रहो, अरे समाज के लिए कुछ तो अच्छा करके दिखाओ, समाज में थोड़ा नाम इज्जत शोहरत बनाओ। अबे हम लोग को शक्ल देख के लगता है कोई हम लोग को काम देगा। अरे काम मिलेगा, एक काम करो, ये लो मेरा कार्ड, अभी ला, इधर ला। अभी मैं निकलता हूँ, मुझे लेट हो रहा है, ठीक है, आओ मुझे कॉल करना। अबे सुन तो। हाँ बोल। अबे इसके लिए क्या करना होगा, कितना क्वालिफिकेशन चाहिए? तुम आ जाओ, मैं तुझे लगवा दूंगा। ये ऑफिस कहाँ पे है, पढ़ के बताइयो। यहाँ पे पीछे वाली नुक्कड़ की गली के पास आ जाना, उधर ही मेरा ऑफिस है। अबे तू तो पढ़ा लिखा है, तू बता। अच्छा चल ठीक है। बोला तो नुक्कड़ पे है। अरे अनपढ़ गवार जाहिल। अबे तू तो पढ़ा लिखा है, तू तो बता। मैं आता हूँ मैडम जी से पढ़वा के। सब अनपढ़ गवार। भाई तू तो बड़ा आदमी हुआ करता था, तू तो पढ़ के बता, ये पढ़ा लिखा। अबे ये अपना है ना, जहाँ पर हम लोग नहाते थे लंगे होके, वो नुक्कड़। हाँ, हाँ, वो जगह देखो, एड्रेस दिख रहा है ना वहाँ पे। अबे पोपटराम, नुक्कड़ कहाँ, लंगा कहाँ, कहाँ फंसा रिया है, सब अनपढ़ गवार जाहिल है। अबे ढूंढ लेंगे ना, इसमें इतना क्या सोचना, ढूंढ लेंगे। हाँ वो हो सकता है, चल। चल भाग, चल भाग। अबे निकम्मो उठो, 8 बज गया। अबे साले उठ, नौकरी ढूंढने जाना है। अबे उठ। लता, लता, लता माय डार्ली, लगता है सब्जी का लिस्ट बनाकर गई है। अबे चलना सोते हैं यार। अबे हमें नौकरी ढूंढने जाना है, नहीं तो बुड्ढा हमारी जान ले लेगा। मेरे प्यारे पत्तू जी, मैं प्यारे जी के साथ हमेशा के लिए जा रही हूँ। प्यारे माधर जा, प्यारे क्या हुआ भाई? अबे बोल ना बे, क्या हुआ? अबे प्यारे गया। प्यारे हाय, कितना अच्छा लड़का था प्यारे। अबे वो मरा नहीं है प्यारे, और मालकिन भाग गए। क्या? हाँ साले, अच्छा दोस्ती के नाम पे चूना लगा के गया, साले को मैं कभी माफ नहीं करूंगा। मेरे दिल के अरमान पर पानी फेर के गया साला कमीना। 8-9 स्विमिंग पूल में ऐसे डुबकियां मार मार के। हाँ टमाटर जैसा लाल लाल गाल, और करो। हाँ अब वो आएगा मालिक, हम लोग को भगाएगा, रोड पे रहने लायक हो गए हैं। कमीना दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। अभी आ गया, अबे नाम लेते आ गया साला काला। अबे दरवाजा मत खोलना भाई, दरवाजा मत खोलना। अबे दरवाजा तो पहले से खुला हुआ है।
अबे साला तुम लोग कब किसी को नहीं देखना चाहते, यहाँ से जाओ तुम लोग। अले प्यारे उसका शकल भी नहीं देखना चाहते हैं, साले मादर चात भोसड़ी, आने दो से समझाते हैं, भागो यहाँ से जल्दी। हाँ तो जा रहे हैं ना, चिल्ला क्यों रहे हो आप? होटल मारिया बिहार, अरे यही तो होटल था, कार्ड तुम्हारे पास था ना, नंबर लगाओ। हेलो हेलो राकेश, हेलो हेलो, अरे यार लगता है आवाज नहीं जा। चलो मैं देख। अरे यार इधर आओ, यहाँ किस लिए आए हो, क्या हुआ? भाई अब तू ही एक सहारा है, देख हम बदल गए, हमारे कपड़े भी बदल गए है ना भाई। हाँ अब तुम लोग को समझ में आ गया। हम लोग पूरा मन लगा करके काम करेंगे। हाँ भाई चलो अच्छा लगा, मैं देखकर खुश हूँ, लेकिन एक प्रॉब्लम है, थोड़ा बॉस से बात करना पड़ेगा। हाँ भाई तू जाके बात कर, मैं तेरे पाँव पड़ता हूँ, तू मेरे लिए भगवान है भाई, तू मेरे लिए भगवान। अच्छा चलो चलो ठीक है ठीक है ठीक है, रुको रुको रुको। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा आदमी है यार, मेरा काम हो गया, आ जाओ। मालिक मेरे कुछ मित्र हैं, रख लेते नौकरी पे, नौकरी की आवश्यकता है उनको, रख लें क्या? रख लेंगे उन लोग के, अगर क्या उन लोग के पास कोई एक्सपीरियंस है, अगर कहीं काम किया है, अगर किया है तो बढ़िया बात है। हाँ मालिक बहुत बड़ा बड़ा जगह काम किया है। ठीक है बुलाइए उनको। नमस्ते सर। मालिक यही लोग है, यही लोग है। पहले कहीं काम किया है आप लोग ने? जी हाँ। कहाँ काम करते थे? पहले मैं अमिताभ बच्चन जी के होटल में काम करता था। तब तो इन लोग के काम पे रख लीजिए, देखिए काम क्या है सारा इन लोग के बताइए, और इन लोग किसी तरह कोई दिक्कत ना हो, जब इन लोग अमिताभ बच्चन के होटल में काम किया है तो फिर यहाँ क्या सोचना है। जी रख सर, उसके पहले शाहरुख खान जी के घर में काम करते थे। ठीक है जाइए जाइए। मरवाएगा क्या? बड़ी खबर आ रही है भारत के हमले के डर से। हेलो जी सर, जी रूम नंबर सर, ओके एक मिनट सर। वन पनीर चिल्ली, दो नन तावा। जी सर जी, ओके सर मैं अभी लिख रहा हूँ। ओह शिट, अरे यार बहुत जोर से भूख लगी हुई है, कुछ देख थोड़ी ना रहा है, मार लो जल्दी। अबे ये तो क्या कर रहा है, लोगों को तुम झूठा खाना खिलाओगे? भाई मैं अभी जाकर मालिक को बोलता हूँ। अभी खा लो भाई, मालिक को मत बोलना भाई, खा लो भाई एक खा लो भाई। मैं नहीं खाऊंगा, मैं अभी जाकर मालिक को बोलता हूँ। थोड़ा सा खा लो भाई, मालिक को मत बोलना भाई प्लीज। मैं नहीं खाऊंगा। आया आया अभी आया, मालिक को बोलता हूँ जाकर, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता इसे। कमीने सही से नहा भी नहीं सकते, भक सला नहीं करें काम। क्या तोड़ दिया तुमने, इतना महंगा सामान है कैसे बेकूफ जैसा तुम काम करते हो? हाँ कमेर जी सर। Where is my drink? This has been an hour. Where is my drink? One minute. अभी ले। I have my drink right now here. Just coming sir. Do it. One minute.
रोहित वो सफेद दबा लियो। अबे साला फिर से पीटे, चीनी की जगह नमक डाल दिया। Oh man, finally you got a first class coffee. First class coffee being this first class toilet. First class. Enough. Sorry, hell yeah. What the fuck you given me? Sir, sorry sir. No. Sorry sir. Sir, sir, maaf kar diye sir. Sir. किस तरह के आदमी रखो है यार, मैं अपने आंखों के सामने कल देखा है, कांच गिरा के फोड़ दिया, और इसके अलावा भी तीन चार कंप्लेन आ चुके हैं। किसी को जूठे खिलाता है, किसी को सर फोड़ देता है। कल के काल इन लोग के निकालो, मैं देखना नहीं चाहता हूं, ये मेरा वार्निंग है। ठीक है साले, जिंदगी भर चढ़ियां सुखाते रहोगे या और कुछ करोगे? मैं तंग आ गया हूँ ये सब नौकरी से। भाग सही बोला यार, हम लोग की हालत मत चढ़ियों जैसी हो गई है। साला जो आता है वो कर के चला जाता है। थू है हमारी जिंदगी पे यार। एक तो साला ढंग का खाना नहीं मिलता यहाँ पर, दूसरों का खाना चुरा कर खाना पड़ता है, ऊपर से साले बैंडचोत कंप्लेन पे कंप्लेन मालिक के पास जा रहा है। वो कब नौकरी से निकाल देगा, पता नहीं कब क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। पूरी जिंदगी साली नर्क बन के आ गई है। हाँ तो छोड़ दे ना नौकरी, छोड़ दे। एक तो इतनी मुश्किल से नौकरी मिली, ऊपर से तू ऐसी ऐसी बातें कर रहा है। यार तो करे क्या, हमारी फूटी किस्मत है साली जो हमसे ऐसे ऐसे काम हो जाते हैं। कोई जानबूझकर ऐसी गलती ना करे है। बस भाई अब मुझसे नहीं होगा, जो मिल रही है वो कर ले, नहीं तो ये नौकरी भी हाथ से निकल जाएगी। निकल जाएगी नहीं मेरे दोस्तों, निकल गई। अरे यार तुम लोगों ने तो गंद फैला रखा है। एक अच्छी इज्जतदार नौकरी दी, वो भी तुम लोग से नहीं हो सकती। एक को झूठा खाना खा के देना है, एक को स्विमिंग पूल में डंडे मारना है, महंगी महंगी सामान को तोड़ना है। अरे क्या लगा के रखे। अरे यार तुम लोग किसी काम के नहीं हो, हटो यहाँ से, हटो। मैं तंग आ गया हूँ। मजाक कर रहे थे यार, मतलब फायर। अरे हटो यहाँ से, मजाक कर रहे थे यार। एक चांस प्लीज, नहीं नहीं, अरे हटो यहाँ से, हटो। यू आर फायर, यू आर फायर, हटो यहाँ से, यू आर फायर, यू ऑल आर फायर। Tobacco use leads to cancer, heart attacks, lung disorders and other deadly diseases. The characters shown in this film or program do not support the use of any type of tobacco products such as bidi, cigarettes, kheni, zarda, etc. or their promotion in any manner. तंबाकू सेवन से कैंसर, दिल का दौरा, फेफड़ों के रोग जैसी कई जानलेवा बीमारियां होती हैं। इस फिल्म अथवा कार्यक्रम में दिखाए गए कलाकार किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, खैनी, जर्दा इत्यादि के सेवन का समर्थन या प्रचार नहीं करते हैं। देख भाई, मैंने तो सोच लिया है। क्या सोच लिया? अपने लाइफ में ना ये जो सीधापन है ना, सीधापन, इसको हटाओ। अब हम लोग एक नंबर के कमीना इंसान बनेंगे। कुछ नहीं होगा उससे। अबे एक बात बता, तू सीधा कब था बे? हाँ ये बात सही है, सही है। साले ने लाइफ में पहली बार सही बात बोला है। मैं सोचता हूँ कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे हम लोग रातों रात करोड़पति हो जाए। पर किया क्या जाए? वही तो। अबे ये फिल्म नहीं है जिसमें तुम रातों रात अमीर बन जाओगे, ये रियल लाइफ है बाबू, इसमें मेहनत करना पड़ता है। अबे तो हम कहाँ बोल रहे हैं कि करण गुप्ता के गैंग्स ऑफ सिटी है। बाय भैया, बाय बाय बाय। अब वो बबरे को देख,
वो भी ड्रग्स ले रहा है। अबे हम लोग की हालत देख, खाने को पेट में रोटी नहीं, साला मुंह में खोटी जलम गया है, डबल रोटी पे पेट चल रही है हमारी, अपने अपने और साला देखो उसको ट्रक्स ले रहा है, अपनी जिंदगी है भाई। चल मिलते हैं साले से। हे भैया। अरे भैया क्या हुआ? अरे मेरा जिंदगी सिर्फ 2 दिन का ही है। अबे मैंने तो सुना था जिंदगी 4 दिन की होती है। पहले खड़ा कर यार, हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं है और तुम्हारे पास ड्रग्स लेने के लिए। भाई यार इतना अमीर कैसे हो गया बे? मेरे पास टाइम मशीन है। टाइम मशीन? ये टाइम मशीन क्या होता है? ये टाइम मशीन क्या होता है? टाइम मशीन से ही तो मैं रातों रात माला माल हूँ। अच्छा हाँ। जब तू माला माल है तो ये साले मरने के लिए तू ड्रग्स क्यों लेता है? देखो मेरा जिंदगी 2 दिन का ही है, देखो मैं मरने वाला हूँ क्योंकि मुझे कैंसर है। मैं आप लोगों को कुछ देना चाहता हूँ ताकि ताकि तुम लोगों को जिंदगी भी मेरी जैसी ऐस मौज से कटे। टाइम मशीन तो नहीं देगा? देखो एक मशीन है, जादुई मशीन है, जादुई मशीन जो किसी में टच करेगा ना सब भूल जाएगा, सब राज खत्म। हाँ हाँ हे यार नहीं है विश्वास ना, किसी में टच करेगा ना इतना भी मत। अरे बेबड़े मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा एक काम कर, वो मशीन दिखाइयो। मैं मशीन दिखाऊं? ला। देखो मैं बताता हूँ, किसी में ये टच करोगे ना। अबे मुझ में मत सटा, उधर सटाइयो। ना ना भाई ना भाई ना। एक काम कर तू इसमें सटा। देखो मैं तुम लोगों का एक राज की बात बताना चाहता हूँ, इसे यूज करो और रातों रात माला माल पैसे वाले तुम लोगों का जिंदगी भी मेरे जैसे ऐसे मौत से कटे। देखो ये लगता है इसे चक्कर आ गया। क्या हुआ? ये तो सला गया भाई, छोड़ भाग, इसको बेचकर 200 रुपए मिल गया। अबे चल भाग, अबे भाग ना भाग भाई। कम से कम चार्जर तो लेते जा भाई, कम से कम चार्जर तो लेते जा, वो बेकाम हो जाएगा भाई प्लीज, वो बेकाम हो जाएगा, कम से कम चार्जर तो लेते जा। अबे थैंक गॉड, अबे इसे बेच के कुछ तो पैसे हो जाएंगे। हाँ बे चल 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 बेच के आते हैं। नहीं यार एक बार इसे जरूर चेक करना चाहिए, क्योंकि मरता हुआ इंसान कभी झूठ नहीं बोल सकता। सही बोला, ट्राई कर। हाँ यार आखिर मरता हुआ इंसान हमसे झूठ क्यों बोलेगा, देख लेते हैं। अबे तो ट्राई किस पे करेंगे, इसमें तो सिर्फ स्टार्ट लिखा हुआ है, स्विच ऑफ लिखा हुआ है, स्विच ऑन लिखा हुआ है। याद कर उसने बोला था किसी पे सटा के दबाने से वो सारा बात भूल जाता है। हाँ सच में। ओए सुनियो इधर, अबे साला तुम लोग इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं बे? चल कर। नाच का है रहा है बे? अबे मेरी बात तो सुन। हाँ बोल। अबे सच में? यस यस। अबे चुप, सबको चिल्ला चिल्ला के बता देगा क्या? मैं तो जाकर स्विमिंग पूल में डुबकी लगाऊंगा। हेलो जानू, कब तक आना है तुम्हें? जी मैं तो यहीं खड़ा हूँ। 2000 का खुला होगा भाई साहब। देखता हूँ भाई साहब। दीजिए थोड़ा पकड़ना भाई साहब। एक मिनट। भारत का राजधानी कहाँ है भाई साहब? दिल्ली में है भाई साहब, यहीं तो है। हेलो हेलो हेलो। हा
साला मोबाइल भी हो गया। बहुत माल है यार। अरे मेरा मोबाइल, मेरा पर्स। क्या बात है साला, पैसा हो ना तो लाइफ एकदम चकाचक हो जाता है। ये एसी का हवा। यो ये रैपरी रासिंग, रैपरी रासिंग। ये तू है मेरी सोनी कुड़ी, ये मैं रखती है टिकटॉक तेरे गोरे गोरे गाल, ये लंबे लंबे बाल तेरे हिंदी वाली चाल, नचा देगी बरवाले कैसे मैं कहूँ ये कम, फिगर है तेरा आइटम बॉडी मास पे अदाए, हिला हुआ ये चेहरा तेरी चांद की जवानी, मैं हो गया फिदा कैसे मैं बताऊँ तुझको, मैं करता हूँ तुझसे प्यार, दुनिया चाहे कुछ भी कह ले मैं तुझ पे मरता हूँ यार। तुझको नींद नहीं आती है, मुझको समझ नहीं आता है, मुझको कैसे मैं समझाऊं तुझको, ख्वाबों में ख्यालों में बस तू ही तू आती है यार, ऐसा क्या कर दिया तूने मुझको तू बता दे यार, सपने में आकर के तू पास मेरे सो जाती है, जब आंखें खोलूं तो अपनी फिर गायब हो जाती है, तेरे बिना अब रह नहीं सकता मैं तुझको बता दूं यार, पास मेरे आकर के तू मुझे सीने से लगा दे यार। तेरे बिना अब मुझको तू समझ ले यार, मेरे दिल में बस गई है कैसे मैं भूला दूं यार, हानी बन जा मेरी तू अब दो दिन की है चांदनी, साथ मेरे रह करके तू फिर हो जाएगी रानी, अब चलते हैं तेरे घर में अंडी को बताएंगे, बात नहीं मानेंगे तो फिर उनको सामने जाएंगे, भैया गाड़ी आपका है भैया? नहीं तो काय आपका है। क्या बात है, आप कैसे मानिएगा, आपके पास क्या प्रूफ है? मेरे पास चाबी है। अच्छा देखूं इसकी चाबी है, देखूं देखूं। ओए सटइयो, ये कौन है भाई? मैं कौन हूँ? अबे जुलूस आ रहा है उधर, तू जुलूस से आया है, देख देख वो देख वो देख, तेरी बकरी भागी, बकरी भागी। ये शर्ट कहाँ से लिया है? ये शर्ट? हाँ। अरे वही यार, साबरी कलेक्शन 2 हंटरगंज बाजार में नहीं खुला हुआ? अच्छा हाँ। मैं भी वहीं से लूंगा। हाँ यार बहुत अच्छा। अबे बाबा रेस्टोरेंट है, चलना कुछ खाते हैं यार। ओ हाँ यार, बहुत दिन हो गए अच्छा खाना खाए, चलना आज खाना चाहिए। आह क्या होटल बनाया है यार, मस्त है यार। खाना भी यहाँ का उतना ही मस्त होगा। एकदम गुलगुल है यार। आह
ये वाला, ये लंबा लंबा वाला, लंबा लंबा। ठीक है सर। बहुत मजा आएगा खाने में। मुझे तो मजा आ रहा है। लो लो लो, जल्दी लो। काटा वाला चम्मच लो भैया। लाल लाल वाला जो रहता है इसे दीजिए ना। साला दूसरों की नौकरी करते करते अपनी लाइफ जो है ना वो तंग हो गई थी। मुझे तो मजा आ रहा है। मजा आ रहा है रियल में? भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। वाकई में यार उसने हमारी जिंदगी ही बदल दी है ना भाई। देख लो, मैंने तो तय कर लिया है, अगला निशाना जो है वो बैंक पे है। बड़ा हाथ साफ करेंगे और सारी जिंदगी सो के खाएंगे, फिर जरूरी पड़ेगी, फिर हमारे पास टाइम मशीन तो है ना। बैंक में तो बहुत सिक्योरिटी होती होगी। अरे यार, जो बैंक से पैसे लेके निकलेंगे ना उनमें मशीन सटाकर और स्विच ऑन कर देना है बस। हाँ ये सही है, ये सही रहेगा। यार मजा नहीं आया यार, क्या चाउमीन नूडल। चलो किसी अच्छे बार में चलते हैं, पीते हैं जमा के। क्यों चलो ठीक है चलते हैं, लेकिन मैं जाकर सिर्फ डांस देखूंगा भाई लड़कियों की। दारू को तो हाथ भी नहीं लगाऊंगा क्योंकि बियर दारू पीने से इंसान की किडनी सड़ जाती है। तुझे जो करना है करियो भाई, मैं तो दारू पीऊंगा। अबे मैं तो मजाक कर रहा था यार। अबे तुझे पता है कि मुझे जो करने की आदत है, भला मैं छोड़ सकता हूँ दारू? ना भैया बिल लाना। बिल भाई, वाह बस 3000 रुपये। हाँ भाई, 5-star होटल जो है तेरा। चलो बिल पे कर देते हैं। ये क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं भाई। अबे साला ये काम क्यों नहीं कर रहा? ये क्या कर रहे हैं? बिल दीजिए भाई साहब। पैसे तो हम लोग लाना भूल गए। बस मैं अभी गया और अभी लेकर आया, बस हाँ। 2 मिनट में, ठीक है? चलो अब मैं बिल पे करवाता हूँ। आज बेटा फंसे, अब पता नहीं क्या क्या धोवाएगा ये। इधर आओ भाई। भाई जिंदगी में चले थे शॉर्टकट पकड़ने, देखो हमारी हालत क्या हो गई है। अगर जिंदगी में कुछ भी करना है भाई तो हम लोग जैसे शॉर्टकट मत पकड़ना, वरना यही हाल होगा। मेहनत करके कमा लो वो सही है, लेकिन शॉर्टकट कभी नहीं।